तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा अपने यूट्यूब चैनल का। तो आपको क्या करना है, अपने लोगो पर कर देना टिक। यहाँ पर लोगो पर टिक करने के बाद आपको सामने आएगा यूअर चैनल। आप यूअर चैनल पर कर देना टिक। यहाँ पर टिक करोगे तो आपके सामने अपना चैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं प्लेलिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया प्लेलिस्ट। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट बना सकते हो। तो मैं पहले दिखा दूँ मेरी प्लेलिस्ट, यहाँ पर जो बनाई हुई है वो प्लेलिस्ट है देसी डांस। ये लाइक वीडियो यूट्यूब जाने करीब मतलब 1 2 3 मतलब तो टोटल 4 है यहाँ पर लाइक के समेत की वीडियो के समेत 4 लिस्ट है। तो मैं बताता हूँ किस प्रकार हम प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो पर टिक कर देना है। यहाँ पर वीडियो पर टिक करोगे आपके सामने एक इस प्रकार का अपने सभी वीडियो आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर टिक कर देना है। यहाँ पर 3 डॉट पर टिक करोगे तो आपके ऑप्शन आएगा सेव टू प्लेलिस्ट। यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेव टू प्लेलिस्ट, आपको इस पर टिक कर देना है। इस पर टिक करोगे तो आपके सामने आपकी प्लेलिस्ट नहीं है, तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा, ओनली ये आएगा वॉच लेटर। ये मतलब ये ऑप्शन ये किया गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नो प्लेलिस्ट पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आप टिक करोगे और यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट का नाम लगा दे देना, जो प्लेलिस्ट है उसका नाम दे देना, जिस प्रकार मैं देता हूँ नाम गुड। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम दे दिया। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब बनाए क्रिएट। अब हमारी ये प्लेलिस्ट बन गई है। अब उसमें हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे। आपको मैं बता दूं, अब हमें ये वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो इस पर हम 3 डॉट पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर आ गया सेव टू प्लेलिस्ट, इस पर हम टिक करेंगे। और जो हमने ओके नाम की प्लेलिस्ट बनाई, वो गुड नाम की प्लेलिस्ट बनाई, वो यहाँ पर आ गई, देख लीजिए। इस पर हम करेंगे टिक। यहाँ पर टिक करने के बाद नीचे की तरफ आ गया डन, इस पर हम कर देंगे टिक। तो ये हमें कर दिया टक। हम अब देखते हैं हमारी प्लेलिस्ट बनी है कि नहीं बनी वो गुड वाली। तो हम देखते हैं प्लेलिस्ट पर, हम करते हैं यहाँ पर टिक। यहाँ पर टिक करेंगे तो ये देख लीजिए आपकी प्लेलिस्ट हमें बनाई वो। थोड़ी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देख लीजिए गुड वाली प्लेलिस्ट यहाँ पर आ गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्लेलिस्ट डिलीट भी करनी है, अगर आपने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है। प्लेलिस्ट पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे, इस पर कर देना है टिक। यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर आ गई डिलीट प्लेलिस्ट, इस पर आपको टिक कर देना है। तो आपकी प्लेलिस्ट, और फिर ओके कर देना यहाँ से, तो आपकी प्लेलिस्ट डिलीट हो गई।